नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल GDS में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, ठीक है। तेलंगाना का रिज़ल्ट के बाद यहाँ पे रिज़ल्ट होल्ड में रखा गया है, ये साफ और सीधी खबर है। रिज़ल्ट आपको पता है कुछ एक दो हफ्ते हो गए अभी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसका एक ही वजह है कि दिल्ली से जो दिल्ली डायरेक्टरेट है वहाँ पे मना कर दिया गया है रिज़ल्ट को आगे डिक्लेरेशन के लिए कुछ समय के लिए। यहाँ पे कैंसिल नहीं किया गया है, यहाँ पे स्टॉप किया गया है, पोस्ट कर दिया गया है जो प्रोसीजर है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ कंप्लेन गई है या कुछ इशू उठाए गए हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के स्टूडेंट्स के तरफ से, कैंडिडेट्स के तरफ से, कि परसेंटेज में थोड़ी गड़बड़ी हुई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं परसेंटेज को लेके जो इन्होंने इक्वलाइज किया है, ग्रेड को परसेंटेज में चेंज किया है। और परसेंटेज को जब ग्रेड में चेंज किया है तो यहाँ पे इन लोग ने जो कैलकुलेशन किया है वो सही नहीं बैठ रहा है, ये कहना है कुछ स्टूडेंट्स का जिन्होंने यहाँ पे कंप्लेन किया है। तो दोस्तों ये कंप्लेन का सबूत मैं आपको देना चाहूँगा, ये जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर हैंडल से आप देख सकते हैं ऑफिशियल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल का कहा गया है साफ साफ कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें उठाई गई है, कुछ पक्ष रखा गया है GDS जो कैंडिडेट्स थे उनके तरफ से, तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रोका गया है, पोस्टपोन किया गया है, या आप कह सकते हैं यहाँ पे होल्ड किया गया है रिज़ल्ट को, ठीक है। तो दोस्तों ये जो प्रोसीजर था, काफ़ी डिक्लेरेशन का प्रोसीजर काफ़ी स्पीड से चल रहा था आंध्र प्रदेश के, कुछ दिनों बाद ही तेलंगाना का आ गया था, पर यहाँ पर ये रुक गया है। तो ये मैंने बात आपको साफ कर दी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या इशू हुआ था, परसेंटेज को लेके इशू यहाँ पे आ रहा था, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि क्या था ये पूरा प्रॉब्लम, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे क्या था ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कैंडिडेट का एग्जांपल अगर मैं लूँ तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में आप देख सकते हैं पांच सब्जेक्ट है, पांच सब्जेक्ट को नॉर्मली यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। तो 459 यहाँ पे टोटल आता है अगर सारे सब्जेक्ट्स उसके ऐड कर दिए जाए तो इसमें परसेंटेज कितना निकलता है दोस्तों? इसमें टोटल सब्जेक्ट के साथ डिवाइड करने के बाद परसेंटेज 91.8 निकल रहा है। वहीं दूसरे एग्जाम्पल पर इन्होंने दिखाया है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ऐड किए गए हैं, पर ये ग्रेड पॉइंट के हिसाब से, आपको पता है अभी CBSE में भी ग्रेड पॉइंट होता है 10th में, ठीक है। हर जगह KV केंद्रीय विद्यालय, बाकी डॉन बॉस्को में भी ग्रेड पॉइंट होने लगा है। तो यहाँ पे अगर ऐड करें वहाँ पे कुछ 94-95 नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्ट 90 का जो लाइन है, यहाँ पे 90 से 100 उसको डायरेक्ट 10 दिया जाता है, 80 से 90 तो को 9 दिया जाता है। इस तरह से ऐड अगर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 10 10 प्लस 9 प्लस 10, तो यहाँ पे 98% बन रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों पांच सब्जेक्ट्स में किस तरह ग्रेड पॉइंट में डिफरेंट परसेंटेज निकल रहा है, और जब नॉर्मल परसेंटेज के हिसाब से आता है, मार्क्स के हिसाब से आता है, तो यहाँ पे अलग अलग, एक में 91 और एक में 98, तो यहाँ ये डिफरेंस है। तो ये कुछ पॉइंट्स उठाए गए हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स से, जो सही भी है। तो इसमें क्या पक्ष निकलता है जो दिल्ली डायरेक्टरेट का है, हम यहाँ पे देखेंगे। डायरेक्टरेट जो कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट यहाँ पे देने का घोषणा फिर से कर देगा, क्योंकि काफ़ी टाइम वैसे भी लग चुका है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि सितंबर के 3rd या 4th वीक से फिर से डिक्लेरेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिन उन्होंने ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आज सितंबर का 2nd वीक है, यहाँ पे आज मैं बता दूँ, आज यहाँ पे पंजाब का रिज़ल्ट आने वाला था 8 तारीख को, और नॉर्थ ईस्ट का भी 2nd वीक को आना था, और असम वगैरह के, आपको पता है असम राजस्थान के रिज़ल्ट आने के टाइम हो चुका है, पर यहाँ पे क्योंकि होल्ड कर दिया गया है तो रिज़ल्ट यहाँ पे थोड़ी देरी हो रही है, पर सितंबर में ही आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह की इंटरनल जो न्यूज़ है, ये सब अगर आपको और भी चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल। ऐसी न्यूज़ आपको कहीं और से नहीं मिलेगी, कोई और सोर्स से नहीं मिलेगी, तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले चैनल।